खबर जनपद बाराबंकी से। किसान भाइयों पर पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज हो जाता था, लेकिन अब कर्मचारी अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब कर्मचारी भी हो जाए होशियार, नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिलहाल आप देख रहे हो डीएस न्यूज। आपको बताते चले, जो भी कर्मचारी अपने कार्यालय में कैंपस में सूखे पत्ते के साथ साथ कूड़ा जलाएगा, तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाएगा और जुर्माना भी लग जाएगा, चाहे सफाई कर्मी ही क्यों ना हो। फिलहाल इसकी पूरी जानकारी जिलाधिकारी जी ने विस्तार पूर्वक दी है, आप लोग सुन लीजिएगा और ध्यान कर लीजिएगा। तो वो यहाँ पे फोन कर सकता है और तत्काल हमारे यहाँ से यहाँ पे टीमें जाएंगी और उस अगर वो पराली जलाई जा रही है तो उसको जलाने से पहले रोकने का प्रयास करेंगे, और अगर उसके बावजूद जलाई गई है तो जैसा मैंने बताया कठोर विधिक कार्रवाई होगी। सर, जो सरकारी कार्यालय में कूड़ा कचरा जला दिया जाता है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, जैसा मैंने कहा कि बात मैंने पहले ही कही थी, चाहे वो कचरा जलाया जा रहा हो चाहे पराली जलाया जा रहा हो, वो उस पर कार्रवाई होगी। सरकारी कार्यालयों में तो मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ एक आध शिकायतें ये जरूर आई हैं कि नगर निकाय के क्षेत्र में कहीं पर कूड़ा जलाया गया है। आज पेपर में मैंने पढ़ा है, उससे भी संबंधित डीओ को कहा गया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे निरीक्षक हो या जो भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। धन्यवाद।